ये रहा नारियल पानी टू स्ट्रे। जरूर बताना, जरूर जरूर उठाना। और वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। टुडे इज डे वन ऑफ नवरात्रि और मैं नहा चुकी हूँ ऑलमोस्ट। इट्स करंटली 7 आई गेस। और अभी मैं चलूँगी मेरा मंदिर क्लीन करने एंड उसको डेकोरेट करने। आई होप मेरा काम 8:30 बजे तो खत्म हो जाए, बिकॉज 9 बजे से पहले मुझे पूजा कम्प्लीट करनी है। हेयर वॉश कर चुकी हूँ, कपड़े चेंज कर चुकी हूँ एंड या नथिंग एल्स इज डन। ऊपर से मेरे ये पिम्पल ना और पॉपअप हो गया है रात में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। चलती हूँ फटाफट से एंड देन मंदिर क्लीन करती हूँ एंड आई सी यू गाइस आफ्टर दैट। उठ के इम्पोर्टेंस है, दो नल्ले आदमी घूम रहे हैं घर में। और यहाँ पे मम्मी क्या कर रहे हो? थोड़ा मम्मी ऊंचे इतनी तेज बात है कैमरा पे। भगवान नुकसान करो, अच्छी और कच्ची सांग मैं तो कैमरे में रिकॉर्डिंग करते ना, जो तेज तेज बोलो। ये लड़का सुबह 4 बजे सोया था, ये पंडाल सजाकर उसने काफी सुंदर सजाया था। ये ऊपर आई थी मैं पंडाल देखने, देन नीचे आने के बाद नैने और मम्मी ने मिलके हमारे वाले सजाने की तैयारी करी थी। मंदिर वैसे तो मैं सोच रही थी कल ही कर दूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं आज ही करती हूँ, फ्रेश सजाऊंगी, फ्रेश ही फिर सब कुछ रखूँगी। एंड देन ये मंदिर ना काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो, तो दैट्स वाई ना, और हमारे पास डेकोरेशन की चीज़ें कम पड़ेगी, तो जैसा हो पाया छोटा मोटा वो करा। और ऊपर से ना नेल नहीं लगी हुई है कहीं पर भी मंदिर में, डायरेक्टली टेप से पेस्ट किया और वो पता नहीं कब तक चलेगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बैठक को अच्छे से कपड़े से कवर करने, एंड देन यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी की सारी मूर्तियाँ उनकी जगह पर रखनी स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी सुंदर लग रहा है मंदिर, आई लाइक इट। उसके बाद फिर मैंने वही जो भी पूजा के लिए करना होता है वही सब मैं करे जा रही थी। देन यहाँ पर मैंने जो उगाते हैं उसके उगाने के लिए, हम लोग रेती में उगाते हैं, आप लोग बताओ किस में मिट्टी में उगाते हो या फिर नारियल का जो सूखा हुआ वो होता है ना उसमें भी उगाते हैं कुछ लोग, कैसे करते हो मुझे बताना। पे बन रही है अखंड जोत, इसने आज सबने येलो येलो, माँ ने भी येलो पहना, मेरा भी येलो और मम्मी का भी येलो। जिमी जो चेहरे की हड्डी ठा ले मम्मी, चालू चुड़ैल लड़ू कर, जिमी दे मेरे को, जिमी दे। सब कुछ अभी बिखरा पड़ा है क्योंकि अभी तैयारी कर रहे थे ना। और ये है मंदिर का लुक, अभी होगा जब देखना जो भी होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट थिंग्स आर डन, मंदिर पूरा क्लीन हो चुका है, उसके अंदर मूर्तियाँ लग चुकी हैं, पूजा का सामान रखा जा चुका है। अब बारी है लास्ट, मैं अभी कारपेट लेने आई हूँ नीचे बिछाने के लिए ताकि सब लोग बैठ सकें, सब लोग क्या, मैं मम्मी और दादी, और उसके बाद चलेंगे, थोड़ा सा रेडी होंगी एंड देन आई बी डूइंग द पूजा। नहीं मिला भाई मेरे को, नहीं मिला, कहाँ है कहाँ नहीं है, आई हैव नो आइडिया। सब लोग अपने अपने काम में लगे और इसको देखो धूप में बैठे गर्मी में, वाह बेटे क्या।
उसके बाद यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा स्टार्ट। मैं एक एक करके जो भी चीज़ें होती हैं वो करती जा रही थी। मैं ना जौ को ऐसे उगाती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा ये रेती डालती हूँ, उसके ऊपर फिर जौ डालती हूँ, फिर ऊपर से रेती और डालती हूँ ताकि वो ना ऊपर तैरते ना रहे। फिर भी इस बार ना रेती थोड़ी कम पड़ गई थी जिसकी वजह से वो पानी डालना जब वो थोड़ा सा तैरने स्टार्ट हो गए, बट इट्स ओके। एंड मैं ना बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, मुझे ज़्यादा ताम झाम करना नहीं आता भाई मेरे को। मैंने बचपन से जब से मैं कर रही हूँ, आई थिंक मुझे फास्ट रखते हुए ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले होंगे अप्रॉक्स, तो मुझे तब से मैंने अभी तक यूँ मान सकते हो आप कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है और वही करती आ रही हूँ। मुझे नहीं पता एक्स्ट्रा क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। अगर किसी को प्रॉपर तरीके से आता है प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मुझे बताओ, देन मैं नेक्स्ट टाइम जब नवरात्रों का फास्ट रखूँगी जो कि मार्च एंड अप्रैल के आसपास आते हैं उसमें मैं वो चीज़ फॉलो करूँगी। बट अभी के लिए तो मैं यही सिंपल तरीके से करती हूँ एंड मैं इसी में बहुत सही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर आम के पत्ते वगैरह और जो ये कलश था उसमें और जो ये नारियल था उसको मैंने मोली से बांधा। देन कारपेट जो मुझे मिला नहीं था वो मेरी मम्मी ने ढूंढ ढूंढ निकाला और हम दोनों मिलकर अभी इसको बिछा रहे थे ताकि हम लोग बैठ सके जब आरती चल रही होगी। और ये है ऊपर का पंडाल या फिर आसन जो कुणाल ने डेकोरेट किया था सुबह के 4 बजे तक जाके, बहुत ही सुंदर। इतना मैं कभी नहीं करती। सो जस्ट अभी ना मैं उठी थी, जस्ट अभी नहीं ऑब्वियसली 4:20 में मैं उठ गई थी और अभी मैं लेके जाऊंगी चेरी को और जिमी को ऊपर वॉक पे। सो यस, सो अभी ना शाम के 5 बज रहे हैं, जस्ट अभी मैं छत पे आई हूँ जस्ट फॉर बोथ ऑफ देम कि ये थोड़ा सा घूम लेंगे। एक ने मुझे कमेंट करके बोला कि पार्वो इज़ वेरी कॉमन एंड पार्वो हो जाएगा तो चेरी को बाहर मत लेके जाओ। एक्चुअली इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये उसकी ग्रोइंग स्टेज है एंड पार्वो के ना एंटीबायोटिक्स लगते हैं तो फिर वो लगवाएंगे एंड देन लेट्स सी कि इसको हम बाहर लेके जा सकते हैं या नहीं। ये देखो ये ऐसे लगे रहते हैं दोनों की दोनों। बट फॉर नाउ जिन्होंने भी कमेंट किया था थैंक यू सो मच, मैं इसको नहीं लेके जाऊँगी आज से बाहर। तो यस ओके, सो आई एम बैक और मैं अपने साथ लेके आई हूँ नारियल पानी बिकॉज मुझे लग रही है इस टाइम पे भूख। मैंने सुबह ना थोड़े से चिप्स खाए थे और कॉफ़ी पी थी बट लेकिन अब भूख लग रही है। इट्स करेंटली 6 और फटाफट से इसको पी के नहा के एंड मैं मेरी पूजा की तैयारी करूँगी बिकॉज अभी हो गया शाम की पूजा का टाइम एंड हम लोग मतलब मैंने बचपन से ही वही मतलब जब से मैंने फास्ट रखने स्टार्ट करें यही करा है कि पहले सुबह भी नहा के पूजा देन शाम को फिर दोबारा नहा के पूजा एंड दिस एंड दैट ये। और फिर उसके बाद मैं एक बहुत ही टेस्टी आलू की सब्जी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी जो कि मैं बनाऊंगी मेरे लिए और रोटियां मम्मी बनाएगी क्योंकि मुझसे कुट्टू काटे की रोटी नहीं बनती है भाई, किसी भी कीमत पे नहीं बनती है। और तो क्या ही करना है, बस यही है। बट आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था बिकॉज मैं सुबह उठी थी 6 बजे और तब से लेके अभी तक लाइक मैंने दिन में आई थिंक 1:20 या 1:30 सोने थे, तब मैं लेटी थी सोने के लिए, मैं 4 बजे उठ गई थी। सो यस, और रात को भी मैं 2 बजे सोई थी तो उस हिसाब से तो मैंने बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया आज सुबह सुबह, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और आज तो रात को लेट ही नींद आएगी। ओके, सो मैं नहा चुकी हूँ, आई हैव चेंज्ड इनटू रात के लिए और अभी चलते हैं शाम की पूजा करने एंड देन उसके बाद ऊपर चलेंगे, देखते हैं कुणाल क्या कर रहा है और वो मतलब उसकी क्या हालत है उसकी अपडेट लेंगे क्योंकि आई थिंक वो पहली बार नहीं दूसरी बार पास रख रहा है बट पहली बार उसने बहुत पहले रखा था तो देखेंगे। ये बैठ गई भाई पूजा के टाइम चिटंगी से घूम रही साथ साथ। शाम की पूजा में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ एक दिया जलाती हूँ और अम्बेतु जगदम्बे काली वाला जो आरती है वो पढ़ती हूँ और बस इतना ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और जो प्रसाद होता है वो बांट देती हूँ क्योंकि मैं मेरे को नहीं पता भाई क्या करते हैं बट मैं यही करती हूँ ठीक है। तो या दैट्स दैट। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपने लिए खाना बनाने, तो हमारे यहाँ ना खाना नवरात्र के टाइम में जो फास्ट रखता है उसके लिए देसी घी में ही बनता है, सो मैंने यहाँ पर घी में जीरा डाला और मेरा जो
ये है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था बर्तन, तो इसके अंदर जब मैंने जैसे ही टमाटो प्यूरी डाला और वो पट 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 होने लगे, आप सारी गैस देख सकते, सब ख़राब हो गया। कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर ज़्यादा, मिर्ची डाली थी, हल्दी डाली थी, धनिया पाउडर डाला था, नमक डाला था, एंड देन मैश करके पोटैटो डाल दे और उसमें पानी डाल के नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और उसको बॉयल आने दिया, दैट इज़ इट। उसके बाद बारी थी माता रानी को भोग लगाने की और मैंने ये भोग के लिए सब कुछ निकाल दिया था और मैंने लगा दिया था भोग। एंड ये रहा मेरा खाना, आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज के, और ये है दही। आज ना घर में कुछ भी नहीं था, वरना ना मैं खीरे कराए तो बनाती वो, एंड देन कुट्टू के आटे की दो रोटियाँ, दो इनफ हैं अगर वेट लॉस करना है तो, वरना मैं अगर नॉर्मली खाती हूँ तो चार खाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में एक बार खानी होती है तो दैट्स वाई, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। मस्त टाइम। कितनी मस्त करवा लग रही है, हाथ ऊपर उठा गए मम्मी ਕੁਨਾਂ ਗੱਲ ਅੱਧੇ ਕਪੂਟ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੀ ਮਾਮਨਾ ਆ ਖਾ ਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੇ ਕਾਨ ਕੇ ਚਪਟ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਸਦਰ ਜਾਏਗੀ। ओके सो अभी बज रहे हैं रात के 8 और खाना वाना सब हो चुका है, अब चिल करके मैं सोऊंगी कि मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, और कल सुबह फिर से उठना है, फिर से पूजा होगी, सब कुछ होगी, एंड आई शेयर अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग विद यू। चेरी सो चुकी है, जिमी भी सो चुकी है, दोनों मस्त सो रहे हैं आराम से, मैं भी जाऊँगी फटाफट से ब्लॉग एडिट करूँगी, कल के लिए शेड्यूल करूँगी, एंड देन आई विल गो एंड स्लीप। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रूर ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, सो बाय।